तो और नहीं जिक्र के छल्लो क्या हाल चाल। तो भाई गैस आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 5 ऐसे मिस्टेक जो कि गाइज आप लोग ड्रैगन बॉल्स वाले इवेंट में कर रहे हो एंड साथ ही साथ मैं भी वो मिस्टेक कर रहा हूँ। तो भाई लोग आज मैं आप लोग के लिए यही वीडियो बनाया है ताकि गाइज आप लोग जो मिस्टेक कर रहे हो वो अब से ना करो, उसमें मैं भी शामिल हूँ। मतलब गाइज ये सब मिस्टेक ना मैं भी कर रहा हूँ तो इसलिए मैं भी थोड़ा रुक चुका हूँ एंड गाइज यहाँ पर थोड़ा समझ कर कि ये मिस्टेक अब मेरे को नहीं करना है। तो भाई लोग सब कुछ बताने वाला हूँ, बस गाइज आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड गाइज आज का ना व्यूज थोड़े सही आ रहे हैं बट गाइज सब्सक्राइब काफ़ी ज़्यादा कम बंदे कर रहे हैं। और गाइज यार सब्सक्राइब करो, अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट करो, अभी थोड़ा चैनल ग्रो होने वाला है। तो यार सबसे पहले आप लोग ना थोड़ा शेयर और सब्सक्राइब करो ताकि और अच्छे से यहाँ पर हो जाए वीडियो, तो व्यू वगैरह काफ़ी ज़्यादा सही आ रहे हैं। एंड गाइज आप लोग बस थोड़ा सपोर्ट करो। और गाइज इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन आप लोग को मिल जाएगा एंड वहाँ पे आप लोग सपोर्ट कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट कर वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो गाइस। तो गाइज अपना पहला मिस्टेक ये है कि जब गाइज आप लोग इवेंट वगैरह पे मरते हो, जैसे ड्रैगन बॉल्स के इवेंट पे आए एंड गाइज 2-3 मिनट के अंदर आपको कोई स्क्वाड मार गया एंड उसका खुन्नस आप लोग कि अब मेरे को कुछ भी हो जाए मतलब उसको मारना है। तो बोलो ऐसे करके ना आप लोग वहां से जैसे मरते हो फिर आप लोग सीधा का सीधा लैंडिंग करते उसी इवेंट पे ताकि उस वाले एनिमी को मार सके। तो ऐसे में क्या होता है ना, आप लोग के पास कुछ भी नहीं होता, मतलब एरोप्लेन से जब आते तो कोई एक गन आप लोग को दिया जाता है, स्कारल UMP या फिर उजी, कोई ऐसा एक गन दिया जाता है जिसमें एमो भी कम है, अटैचमेंट भी नहीं है एंड गाइस सीधा का सीधा आपके पास लेवल 1 का हेलमेट वेस्ट है आपके पास और कुछ भी नहीं है। मतलब गाइस आप लोगों के पास पूरा निहत्ते एंड गाइस वो सब के पास ना पहले से लूट है, फिर साथ ही साथ अपना स्क्वाड भी बिछाई हुई है। ऐसे करके अगर आप लोग वहां पे जाते हो तो सिर्फ आप लोग मर सकते हो और कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जहां पे आप लोग उतरे दोबारा वहां पर ना उतरो, क्योंकि गाइस वहां पे ना आप लोग के पास लूट वगैरह रहेगा नहीं और स्क्वाड पहले से वहां पे है। तो आप लोग जहां पे उतरे मरे फिर गाइस आप लोग को दूसरी जगह पे लूटो, जैसे गाइस यहाँ पे इवेंट छोड़कर कहीं पर घर वगैरह पे जाओ एंड वहां पे आराम से लूटो, गन वगैरह लो एंड फिर गाइज आप लोग रस्क करने के लिए तैयार हो जाओ, फिर गाइज आप लोग आराम से फाइट ले सकते हो। तो आप लोग ये करो ताकि गाइज आप लोग मरो ना। तो यही मैं कहना चाह रहा था कि आप लोग जहां पे उतरो दोबारा वहां पे ना उतरो तुरंत, थोड़ा गुस्सा भी थोड़ा शांत भी कर लिया करो। तो चलो पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो गैस अपना सेकंड मिस्टेक ये है कि जब भी गैस आप लोग हॉट ड्रॉप पे जाते हो या फिर गैस इवेंट पे जाते हो, जैसे ड्रैगन बॉल्स के इवेंट पे आए, तो गैस वहाँ पे ना आप लोग का मूड नहीं रहता। मतलब गैस जब एरोप्लेन ना काफ़ी ज़्यादा आगे चला जाता है फिर गैस आप लोग का मन करता है, फिर आप लोग उतरते हो कि अब चलो यार यहीं पर चलते हैं, तो यार आपका ना मूड चेंज होते रहता है। इसलिए गैस आप लोग ऐसा ना करो, पहले से आप लोग सोच लो कहाँ पर आप लोग को जाना है। ऐसे अगर आप लोग जाते हो ना मूड चेंज करके तो ऐसे में क्या होगा कि भाई लोग यहाँ पर ना आप लैंडिंग काफ़ी ज़्यादा स्लो होगा एंड साथ ही साथ गैस आप लोग का जो एरोप्लेन है वो काफी ज्यादा आगे जा चुका होगा, इसलिए जो एनिमी रहेंगे ना वो पहले उतर जाएंगे। जैसे इस वाले गेम प्ले में आप लोग देखोगे कि यहाँ पर काफी ज्यादा बंदे उतर गए, मेरे को मन नहीं था फिर भी गाइस यहाँ पर मैं उतरता हूँ। तो साथ ही साथ गाइस जब भी अगर आप लोग का मन भी रहा और देखो यार काफी ज्यादा एनिमी उतर गए, तो यार आप लोग को कुछ नहीं करना, बस आस पास का जो भी व्हीकल्स आपको दिखे ना वैसे उसको लो एंड गाइस सीधा का सीधा भगा के भाग जाओ। मतलब गाइस यहाँ पर वक्त रहते इंसान को सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रख के भाई लोग यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो ऐसे आप लोग समझ गए होगे, तो व्हीकल्स लो एंड साथ ही साथ यहाँ से जल्दी से भाग जाता है। ऐसे करके आप लोग अपना जान बचा सकते हो, फिर साइड में जाओ एंड गाइस वहाँ पे ना आप लोग को इवेंट के बगल में काफ़ी सारे बॉट मिलते हैं, जैसे यहाँ पर इस वाली क्लिप में आप लोग देख पा रहे हो। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और आने के बाद यहाँ पर देखो कितने ज़्यादा बॉट मारता हूँ, तो ऐसे मेरे यहाँ पर 6 किल हो जाते हैं। तो भाई लोग यार सोच रहे हो कि 6 का KD तो आराम से मेंटेन हो जाएगा फिर तो यार आप लोग ऐसे करके बॉट मार के KD बढ़ा सकते हो। तो यार आप लोग कैसा लगा ये वाला मिस्टेक से आप लोग का फ़ायदा है, तो चलो यार पॉइंट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो गाइज आप लोगों ने ड्रैगन बॉल्स के इवेंट में गोल जैसा घर तो देखा होगा और गोल जैसा एक टावर भी देखा होगा। तो गाइज जो गोल जैसा टावर रहता है उसमें गाइज आप लोगों को पूरी की पूरी स्क्वाड के साथ नहीं रहना है, क्योंकि गाइज वो जो ऐसा बनाया गया ना, मतलब अगर आप लोग ऊपर की तरफ मॉली मारते हो तो गाइज नीचे तक जाएगा, तो ऐसे में पूरा का पूरा घर ना मॉली से भर जाएगा और आप लोग जितने ही पूरी की पूरी स्क्वाड भी रहोगे ना तो जल के खत्म हो जाने वाले हो। तो गाइज जैसे गाइज यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो इस वाले क्लिप में कैसे मैं मॉली मारता हूँ, गुजराती से। अच्छा ये भाई सर तनो लगे रैंडम से कोई आ इला इस तो ऑसम तुम्हारी याद आ गई तो तीनों को गए आता। तो मतलब कैसे मैंने तीनों बंदे को 2 मौली में मार डाला है। ऐसे अगर आप लोग अपने स्क्वाड के साथ इस वाले टावर पर रहते हो और आप लोगों को कोई मार दे तो यार काफ़ी ज़्यादा बुरा लगेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गाइस आप लोग अब से नहीं रहना, तो यार आप लोग अवॉइड करो क्योंकि गाइस काफ़ी ज़्यादा खतरा वाला घर है, तो यार हटाओ ये सबको। तो चलो पॉइंट नंबर 4 की तरफ चलते हैं।
जब भी भाई लोग आप लोग पूरी की पूरी स्क्वाड भरी हुई व्हीकल्स देखते हैं खुले में, तो आप लोग कुछ भी नहीं देखते आसपास, सीधा का सीधा अपना स्कोप खोलते और सीधा अंधाधुन फायरिंग स्टार्ट कर देते। ये नहीं देखते कि अगल बगल एनिमी है या फिर वही वाले स्क्वाड मारेंगे। तो सबसे पहले गाइस आप लोग क्या करना है, अगर आपके पास दो तीन स्क्वाड लड़ रहे आसपास और बगल से गाड़ी गुजर रहा है, तो आप लोगों को सबसे पहले खुले में स्प्रे नहीं देना है, क्योंकि गाइस अगर आप लोग दोगे तो सामने वाली स्क्वाड भी आप लोगों को मारेगा। तो सबसे पहले आप लोग करना है अगल बगल दो स्मोक करना है, एंड गाइस साथ ही साथ कवर में कोई सा भी कवर आपके पास हो तो उससे आप लोगों को पिक लेके गाड़ी से गिराना है। जैसे यहाँ पर इस वाले क्लिप में देखो मैं कैसे मरता हूँ। तो भाई लोग देखा कैसे मैं यहाँ पर तीनों बंदे निपट गए। तो भाई लोग यार ये गलती आप लोग ना करो जैसे मैंने किया। तो भाई लोग यार मैं जैसा होती आप क्या वैसे आप लोग मत करना, क्योंकि गाइस ऐसे में ना काफ़ी ज़्यादा इजी आपका स्क्वाड मर सकता है। तो भाई लोग आप लोग समझ गए होंगे, तो पॉइंट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो गाइस पॉइंट नंबर 5 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि इसमें ना आप लोगों को हर तरीके का वीडियो मिलेगा। वो कैसे, क्योंकि गाइस आप लोगों को कुछ नहीं करना, अगर आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियो चाहिए जैसे प्रो टिप्स हो गया, मिस्टेक हो गया, वैसे वैसे वीडियो अगर आप लोग को चाहिए तो गाइस कुछ नहीं करना, बस आप लोग अपने भाई के इस चैनल को प्यार से सब्सक्राइब कर दो, लाल वाला जो बटन है ना उसको क्लिक करके काला कर दो, क्योंकि गाइस लोग यार लाल वाला ना एकदम खतरा वाला लगता है एकदम साइन। तो यार आप लोग उसको हटा डालो प्यार से, एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर देना, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगर आप लोग भाई लोग यार मेरे को सपोर्ट करते हो यार, तुम्हारा भाई इन द फ्यूचर गाइस आप लोग को और भी अच्छे अच्छे वीडियो देखने की मिलेगा, एंड साथ ही साथ आप लोग का भाई लाइव भी आएगा। तो भाई लोग क्या आप भी चाहते कि आपका भाई लाइव आए खेले एंड इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह आए, तो यार सबसे पहले आप लोग का सपोर्ट दिखा दो यार थोड़ा, एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन आप लोग को मिल जाएगा, तो ज्वाइन एंड फॉलो करो। मैं मिलूं किसी और वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर गाइस, लव यू गाइस।